यहाँ पे न्यू लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने छोटा सा असाइनमेंट बनाया हुआ, एक शेप बनाया हुआ है मकान का, जो आपके लिए सामान बना के मैंने रखा है। इसकी यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, दरवाजे खिड़कियाँ वगैरह बनाई हैं, सीढ़ियाँ बनाई हैं, इसका फ्लोर बनाया है और पीछे बैकग्राउंड लगाया है। इस तरह का कोई भी आपने ड्राइंग क्रिएट करना है जिसमें आप कोई स्केच करना चाह रहे हैं रूम का, हाउस का, किचन का, या मुख्तलिफ बिल्डिंग्स का, रोड का, जो आप कार्टूनिस्ट एक व्यू बनाना चाह रहे हैं, तो वैसे कार्टून के लिए भी देखते हैं ना, वो जब चल रहा होता है कि जिस पीछे बिल्डिंग्स बनी हुई होती हैं, तो वो सारी की सारी आप इसमें डिजाइन कर सकते हैं। तो पर्सपेक्टिव के जरिए कैसे करेंगे उसको हम देखते हैं, उस टूल को समझ लेते हैं और इस तरह की एक ड्रॉइंग क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ से एक न्यू कर लिया, न्यू करने के बाद यहाँ से क्रिएट किया, और क्रिएट करने के बाद यहाँ पर जाके हमने एक न्यू फाइल ले ली। यहाँ से हमने क्लिक किया वेब के ऊपर, और वेब पे क्लिक करके हमने यहाँ से इसको करा क्रिएट। तो क्रिएट करने के बाद ये हमारे आगे क्रिएट हो गया। अब क्रिएट करने के बाद हमने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से उठा के इसको हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, ये रख लेते हैं। अब सबसे पहले पर्सपेक्टिव ग्रिड ऑन कैसे करते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो ग्रिड ऑन हो जाएगा। अब इसको ऑफ कैसे करेंगे, ऑफ ये यहाँ से नहीं होगा। ऑफ करने के लिए आपको कीबोर्ड से एक बटन दबाना होगा, कौन सा, कंट्रोल शिफ्ट और आई। तो जैसे हम कंट्रोल शिफ्ट आई दबाएंगे ये ऑफ हो जाएगा, और कंट्रोल शिफ्ट आई दबाएंगे तो ऑन भी हो जाएगा। ऑन ऑफ इस तरह से हम इजीली कर सकते हैं। जब इसको ऑन कर लेंगे तो पर्सपेक्टिव ग्रिड में दो चीजें देखी जाती है, आप एंगल राइट रखेंगे या लेफ्ट रखेंगे। अगर राइट एंगल रखेंगे तो उसमें आपका जो राइट वाला हिस्सा है वो बड़ा रखेंगे, और अगर लेफ्ट रखेंगे तो ये हिस्सा बड़ा रखेंगे। तो हम इसको लेफ्ट में बनाते हैं। तो ये ग्रिड का ऑप्शन लेके उस चीज को थोड़ा सा बड़ा कर लेना, ताकि आपका ये वाला हिस्सा थोड़ा सा बड़ा नजर आए, ये छोटा नजर आए। अब इसके ऊपर ड्राइंग कैसे करनी, ये गैजेट नजर आएगा आपको। ये कब होगा, जब ये ऑन होगा तो यहाँ पे नजर आएगा, जब ये ऑफ होगा तो यहाँ से ये नजर नहीं आएगा। तो इसको ऑन करके पहले आपने यहाँ से ग्रिड का ऑप्शन लेना है, ग्रिड का ऑप्शन लेके यहाँ पे राइट पे क्लिक करना है, और यहाँ से क्लिक करके आपने इसको इस तरीके से यहाँ पे लेफ्ट वाला जो भी ड्रॉइंग का पोर्शन है वो आपने यहाँ पे क्रिएट करना है। जब ये क्रिएट हो जाएगा तो ऐसे नजर आएगा। इसमें एक कलर भर लें, कलर स्कीम में हम ये वाला लाइट कलर इस पर लगा देते हैं ब्राउन का, और यहाँ से इसका स्ट्रोक जो है यहाँ से इसको ऑफ कर देते हैं, क्लिक कर देते हैं या ऑफ कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से इसका राइट वाला लेते हैं, और राइट वाला लेके इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से क्लिक करके आपने इसको ये इतना इसको थोड़ा छोटा रखेंगे उसके नस्बत, ताकि ये थोड़ा सा छोटा नजर आए। तो क्लिक करेंगे यहाँ पे, इस पर अप्लाई कर देंगे। अब चूंकि ये हमें ज्यादा बड़ा दिखाना है, तो यहाँ पे क्लिक करके इसको थोड़ा डार्क कलर लेंगे एज एज कम्पेयर टू, ताकि ये थोड़ा सा वेरिएशन के साथ आपको इस तरह से नजर आए। ठीक है, नहीं समझ में आ रही, ओके। इसके बाद आप क्या करना है, जैसे खिड़की दरवाजे और इस तरह की वेंटिलेशन वगैरह आप इसको बनाना चाह रहे हैं, तो उस पर क्लिक करके अगर पहले यहाँ बना लेते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करके बनाने के लिए पहले ये ऑप्शन लेंगे, फिर ये ऑप्शन लेंगे, फिर इसके लिए दरवाजा हमें कहाँ पे डिजाइन करना है, फर्स्ट हमें यहाँ पे एक दरवाजा डिजाइन करना है। तो ये देखिए हमने एक बड़ा सा गेट इसके ऊपर यहाँ पे डिजाइन कर दिया, जो कि इतना बड़ा यहाँ पे नजर आ रहा है। इसके बाद इसके बराबर में विंडो बनानी है, तो क्लिक करके हमने विंडोज जो है यहाँ पे क्रिएट कर दी। तो एक विंडो कुछ इस तरह की बना दी हमने, ठीक है, और इसके बाद और एक और विंडो एक फिट का गैप दे के बीच के अंदर दूसरी यहाँ पे बना दी। तो दो विंडोज हमने यहाँ पे इजिली क्रिएट कर दी। अगर यहाँ पर भी बनाना चाह रहे हैं तो इजिली बना सकते हैं। इसके ऊपर वेंटिलेटर भी बनाना है, तो हमने क्लिक करके यहाँ पर एक वेंटिलेटर भी इस तरह का बना दिया, जो दोनों विंडोज को कवर कर रहा है और ये इस तरह से आपको नजर आ रहा है। सिमिलरली अगर इस साइड पे भी कोई दरवाजा या डोर निकालना है और उसके साथ विंडोज वगैरह क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे से इस साइड का ऑप्शन लेना है, और आपने यहाँ पे एक दरवाजा बनाना है, ये बिल्कुल इसके साथ बनेगा जाके। तो यहाँ से क्लिक करके इस तरीके से एक दरवाजे को आपने क्रिएट कर देना है, ठीक है। तो ये देखिए एक दरवाजा यहाँ पे भी क्रिएट हो गया, कलर सेम होने की वजह से जरा नजर नहीं आ रहा। तो अभी हम उसके साथ क्या करने वाले हैं, ये करते हैं। इसके अंदर हमें दिखा रहे हैं कि इसके अंदर कोई लाइट भी जल रही है फॉर एग्जाम्पल, तो अंदर का कलर थोड़ा चेंज दिखाने के लिए तो यहाँ से क्लिक करके हमने ये एक कलर ले लिया, और ये इस तरह से इसके अंदर हमने यही कलर फिर ये आई ड्रॉपर की वजह से इस पर भी दे दिया, और क्लिक करके आई ड्रॉपर की मदद से यही कलर हमने इसके अंदर भी दे दिया, और क्लिक करके आई ड्रॉपर की मदद से यही कलर हमने इसके अंदर भी दे दिया कि भाई अंदर ये सब अंदर एक कलर इस तरह का हुआ है। सिमिलरली इस पर भी क्लिक करके यही कलर हमने यहाँ से क्लिक करके इधर भी अप्लाई कर दिया, ताकि यहाँ से भी सेम कलर ही स्कीम आपको नजर आए और इस तरह से नजर आ रहा है। अब इसके बाद यहाँ क्लिक करके इसके बराबर में अगर विंडो है तो वो भी आपने बनानी, और अगर इसके ऊपर भी एक वेंटिलेटर है तो वो वेंटिलेटर भी बनाना है। तो थोड़ा गलत बन गया, इसको क्लिक करके यहाँ से इस वेंटिलेटर को यहाँ पे रखेंगे, और यहाँ पे रख के इसको यहाँ पे क्रिएट कर देंगे, और इसके बाद यहाँ पे क्लिक करके हमने यहाँ से इसको इस तरीके से क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो ये देखें आपके इसके विंडोज और ये सारी चीज़ें बन गई। इनको मोर रियलिस्टिक बनाने के लिए हमें इसके बॉर्डर्स भी लगाने होंगे, और बॉर्डर्स किस तरह से लगाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके हमने इस पर इस तरह का बॉर्डर लगाना है, जो कि इसी का थोड़ा सा डार्क कलर ले लेंगे, ये वाला सॉरी। तो यहाँ पे क्लिक करके हमने यहाँ क्लिक किया, और ये थोड़ा सा इस तरह का रखना है, यहाँ से एक शेप लिया और ये लेके इसको इस साइड पे क्लिक करके बनाना, जो कि इसका थोड़ा सा बॉर्डर होगा वो थोड़ा इस तरह से हमें नजर आएगा। तो ये हमने इसका एक पिलर टाइप का थोड़ा चौखट बना दी और इस तरह से नजर आएगा। अब ये चौखट पे किस तरह का कलर डालें, इसी का थोड़ा डार्क ब्लू कलर डाल देते हैं। तो यहाँ से क्लिक करके हमने एक डार्क ब्लू कलर यहाँ से ले लिया,
और देखिए ये इस तरह से इस पे नजर आ रही है, थोड़ा सा कंप्लीट नहीं हो सकी फुल, तो वो थोड़ा पीछे नजर आ रही है, तो इस तरह से इसको थोड़ा आगे करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे क्लिक करके इसको थोड़ा नीचे की तरफ खींच के यहाँ से इसको साथ मिला देंगे, तो ये फिर इसको तरह से पूरी नजर आएगी। एजेस वगैरह थोड़े बहुत निकल जाते हैं, तो इस पर क्लिक करके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से दोनों को सिलेक्ट कर लें, और इसको थोड़ा बहुत ऊपर करके इस तरीके से एडजस्ट किया जा सकता है, और फिर ये आपको प्योरली इस तरह से दूर से नजर आएगा, तो ये एक परफेक्ट पर्सपेक्टिव ग्रिड आपको बन जाएगा। सिमिलरली इन खिड़कियों की भी चौखटें बनानी है, तो यहाँ से क्लिक करेंगे सेम कलर के साथ इजीली बनाने चले जाएंगे, तो हम आराम से इसको बना लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे रख के इसको हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है, और इस खिड़की की चौखट को भी हमने यहाँ से रख के इस तरीके से कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो अगर थोड़ी कुछ ज़्यादा बड़ी हो गई तो उस पर क्लिक करके उसको कम भी किया जा सकता है इस तरीके से, ऐसे कम कर लेंगे और ये आपके सामने इस तरह से नज़र आ रही होगी, ठीक है। सिमिलरली अगर ऊपर वेंटिलेशन की भी थोड़ी बहुत चौखट आपने दिखानी है, तो यहाँ से क्लिक करके इसको भी थोड़ा बहुत इस तरह से बना के दिखाना होगा, ताकि ये इस तरह से दिखाई दे कि भाई इसकी चौखट है ऊपर का और इस तरह से नज़र आ रहा है। अब चलते हैं यहाँ पे, तो इसकी चौखट किस तरह से बनाएंगे, जैसे उसकी उस साइड पे करके बना रहे थे, इसकी चौखट को बनाने के लिए हमें करना ये होगा, पहले ये टूल लेना होगा और फिर इसकी साइड पे क्लिक करके, और ये चौखट इसकी हमारी इस तरह से बनेगी और ये ऐसे नजर आएगी। कंट्रोल जेड कर देते हैं और यहाँ पे क्लिक करके हमने यहाँ से दोबारा से क्लिक किया, ये देखिए इस तरह से इसकी चौखट बन जाएगी, और इसकी विंडो की भी चौखट हल्की सी हम यहाँ पे एक बना देते हैं, ज़्यादा चौड़ी नहीं बनाते, थोड़ी चौड़ी करनी पड़ेगी, ये देखिए, ठीक है। और इसकी वेंटिलेटर की ऊपर से यहाँ से ऐसे चौखट बनेगी, तो यहाँ से इस तरह से नजर आएगा, ठीक। बाकी थोड़ी सी करेक्शन करनी होगी तो वो हम बाद में करेंगे, क्लिक करके इसके ऊपर यहाँ पे दोनों पे क्लिक करके यहाँ से थोड़ा ऊपर कर लें दोनों, उसका वो भी एंगल सेलेक्ट हो गया, तो यहाँ पे क्लिक करके इसका एंकर लेना है और इसका एंकर यहाँ से लेना है, ये देखिए इस तरह से, और ये जो थोड़ा सा ज्यादा ऊपर हो गया है तो इस पर क्लिक करके इसको थोड़ा सा नीचे कर देना है, तो ये इस तरह से आपको नजर आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से भी ऐसे ही करेंगे, और यहाँ पे क्लिक करके तो ये देखें इस तरह से ये आपका बन जाएगा। अब आते हैं कि इसके नीचे वाले जो फुट स्टेप्स बनाने हैं वो किस तरह से बनेंगे। फुट स्टेप्स बनाने के लिए आपको सिंपली करना ये पड़ेगा कि यहाँ पे क्लिक करके स्टेप्स बनाने के लिए यहाँ से हम लेंगे ऑप्शन के वाला और इस तरह से एक स्टेप बनाएंगे, ठीक है, इस तरह से एक स्टेप बनाएंगे, ये स्टेप इस तरह से बन जाएगा, और उसके बाद इसके आगे इसका फुट बनाएंगे, तो क्लिक करके राइट साइड पर नहीं बल्कि इसके बॉटम साइड पर रखेंगे अब इसको, और नीचे वाला स्टेप इसका इस तरह से बनाएंगे। अगर हम थोड़ा सा बड़ा करके बना लें तो ज़्यादा आसान रहेगा, तो मैं इसको थोड़ा सा दोबारा से क्लिक करता हूँ और इस साइड पर रख के यहाँ से थोड़ा बड़ा वाला बना लेता हूँ स्टेप, ताकि पूरे हिस्से को ये ऐसे कवर कर ले, तो ये मैंने ऐसे करके एक पूरा स्टेप बना लिया। इसके बाद हमने क्या करना है कि इसके बाद यहाँ पे क्लिक करके ये वाला स्टेप पे यहाँ पे क्लिक करना है और इस चीज़ को यहाँ से लेके इस तरह से ड्रॉ कर देना है, ठीक है। इसके बाद अगर और स्टेप क्रिएट करना है तो इसका कलर थोड़ा सा लाइट करना होगा, तो हम ये वाला टूल लेके और ये वाला कलर इस पर अप्लाई कर देते हैं, तो ये थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। इसके बाद इस पर क्लिक करके हमने यहाँ से यहाँ क्लिक करना है और क्लिक करके यहाँ से इसको ये ले लेना है, तो ये यहाँ पे इस तरह से क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये चीज़ इस तरह से बन जाएगी। अब इसकी रोड रस्ते अगर हमें थोड़े से क्लियर करने हैं तो वो किस तरह से करेंगे, तो इसके लिए हम फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं और नीचे क्लिक करते हैं और इसके लिए रोड बना लेते हैं हम इसके लिए, तो हम यहाँ पे इस तरह से एक क्रिएट करते हैं और ये चीज़ यहाँ पे ले जाते हैं आगे तक ले आते हैं, मतलब सपोज अगर हम यहाँ तक ले आते हैं तो यहाँ बन जाएगा, और इसके ऊपर एक रोड का जो कलर है वो हम ये वाला अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए इसका ये बन जाएगा। सिमिलरली अगर इसके हवाले से यहाँ पे कुछ बनाना है तो अब हम इसको यहाँ से लेंगे और यहाँ से लेके इसके साथ इस तरह से ला के यहाँ तक इसके इलाक पे बना देते हैं और कोशिश करेंगे इसके साथ इस तरह से बना दें, तो ये ऐसे बन जाएगा। अब रहेगी इस बात की जो हमारी सीढ़ियाँ हैं उस पर, इस पर दोनों पे क्लिक करके सेंड टू बैक कर देंगे, सीढ़ियाँ ऑटोमेटिकली ऊपर नज़र आ जाएंगी और वो आपको इस तरह से नज़र आ रही होंगी। अब यहाँ पे कवर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको कवर करने के लिए आप यहाँ पे इसी का थोड़ा सा एक और कलर का वर्जन ले लें, ये डार्क वाला ले लें, इसके साथ इसको क्लिक करके ऐसे करके और इसको आप इस तरह पे रख के बना लें,
बहुत बुरा लग रहा है, ये साइड ले लें। ये देखिए इस तरह से, और थोड़ा सा कोना इसका यहाँ से दबा लें, ठीक है। तो ये देखिए एक हमने बना लिया। अब इसका रह गया बैकग्राउंड, तो इसके बैकग्राउंड पे हमने एक शेप लगा के, पैक कर दें, तो ये देखिए इस तरह से एक मामला इसका क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्लिक करके एक स्ट्रक्चर किसी भी हाउस का, किसी भी शॉप का, किसी भी ड्राइंग के लिए रोड का, वो इजीली आप इसके ऊपर प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है।